किसान साथियों, बाग लगाने से पहले आपको क्या सावधानियां रखनी हैं, जो कि मेरे अनुभव पर आधारित हैं, उसमें मैंने कुछ गलतियां की थी और इस पर जो मैंने श्रृंखला बनाई है वो चार भागों में पूरी होगी, जिसके दो भाग मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। आज हम तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे। अगर आप बाग लगाने जा रहे हैं और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बाग की सफलता का प्रतिशत बहुत अच्छा होगा। और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी। पहले मैं ये बताता हूं कि जो ये पौधा है, ये पौधा जो देखिए, ये 2.5 वर्ष का पौधा है और आज इसमें मैं एक बहुत महत्वपूर्ण गलती बताने जा रहा हूं जो मैंने की थी। तो ये लगभग बहुत बड़ा पौधा होता और अच्छा विस्तृत रूप ले लेता, लेकिन मेरी गलती की वजह से ये लगभग 6 महीने पीछे हो गया था। इसी के कारण मैंने, आप देखिए कि ये वाली जो लाइन लगी है, आप इस पेड़ को देखिए और इस पूरी लाइन को देखिए, यहाँ पर भी 8x5 पर अमरूद थे जो मैंने हटाकर यहाँ पर 15x15 पर दूसरे पिछले साल अमरूद लगाए थे और अब ये पौधा इतना अच्छा है। एक बात मैं और दिखाऊंगा कि आप ये कल्ले ध्यान से देखिए, ये मैंने अक्टूबर में कटिंग की थी और कितने स्वस्थ चल रहे हैं, जबकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है। और ये केवल अच्छे खाद प्रबंधन और जीवामृत का कमाल है कि इतनी ठंड में भी आपके पौधे स्वस्थ हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं अगली गलती की। किसान साथियों, जो मेरे से 7वीं गलती हुई थी वो थी ग्राफ्टिंग पन्नी की। आप देखते हैं कि पौधे पर यहाँ पर ग्राफ्टिंग पन्नी होती है, यहाँ पर, यहाँ ग्राफ्ट होती है। चलिए मैं आपको एक दूसरा पौधा दिखाता हूँ। किसान साथियों, ये पौधा देखिए, ये हिसार सफ़ेदे का पौधा है जिसकी स्थापना मैंने लगभग 15 दिन पहले की थी। और देखिए, इस पर कोई भी, इसका अगर आप देखें, ठंड का असर नहीं है। कुछ दिन हमारे यहाँ पाला भी पड़ा था तो थोड़े पत्ते लाल हुए हैं, लेकिन देखिए फुटान चल रही है इसमें। ये होती है ग्राफ्ट। तो जब मेरे पौधे आए थे, जो 2018 जून में मैंने स्थापना की थी पौधों की, तो वो अनार्ची ग्राफ्टिंग के थे, वी ग्राफ्टिंग के नहीं थे, जो गलती मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एक पन्नी लगी हुई थी और किसान साथियों, उस पन्नी की तरफ मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। मुझे जो मेरे साथी थे जो बाग लगाने में मेरी सहायता की थी, उन्होंने बताया भी था कि पन्नी कब खोलनी है। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ये पन्नी अपने आप खुल जाएगी। किसान साथियों, उसी वर्ष मैं अपनी बेटी के पास अमेरिका चला गया था और मैं उनकी एक्चुअल हालत नहीं देखी पौधों की, तो मैं उन्हें सिर्फ फ़ोन पर ही अपनी बातें बताता था। जब मैं वहाँ से वापस आया तो हम बाग में घूमते थे और ये जो पोर्शन है इस तरफ का, जो मेरी दाईं ओर है, ये L49 का बाग था। ये पौधे L49 के हैं, जो बड़े पौधे हैं। तो मैंने देखा कि इन पौधों की कुछ ग्रोथ नहीं है, तो हम ये चर्चा करते थे कि इनकी ग्रोथ क्यों नहीं है। तो हमने कई बातों का विचार किया और ये देखा कि शायद लगाते वक्त इनमें ठीक से पानी नहीं दिया गया, या इनकी जड़ें खराब हो गई, या कुछ हो गया। तो एक दिन हमारे गांव के पास एक गांव है सालियर, करीब लगभग 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ हम पपीते का बाग देखने गए। जब मैं वहाँ पर गया तो वो जिनका बाग है उनसे मेरी बात हुई और उनके पौधों को देखकर मैं तो, मेरे होश उड़ गए। तो मैंने देखा कि मैंने वाकई ही कुछ गलतियां की हैं कि मेरे पौधे ऐसे नहीं हैं। उनका बाग भी उसी समय का लगा हुआ था, उनके पौधे बहुत अच्छे थे। जब मैंने उन्हें कहा कि सुशील जी, क्या आप मेरे बाग पर आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका बाग मेरे रास्ते में पड़ता है, जब मैं दिल्ली से अपने गाँव जाऊँगा तो एक दिन अवश्य आऊँगा। एक दिन वो नवम्बर के प्रथम सप्ताह में सुबह सुबह ही मेरे पास आए, लगभग 7 बजे का समय था और हम बाग में आए। जैसे ही वो बाग में घुसे तो उन्होंने मुझे दिखाया कि त्यागी जी, आपने इनकी पन्नी क्यों नहीं हटाई। मैं तो हतप्रभ रह गया। उन्होंने दिखाया कि देखिए किस प्रकार इनमें गांठें पड़ गई हैं और पन्नी अंदर घुस चुकी थी। आपको याद होगा, एक वीडियो में मैंने यह बात भी बताई थी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। फिर मैंने क्या किया, कुछ ब्लेड मंगाए जो सर्जिकल ब्लेड थे और मजदूरों को लगाया
कि आप इस प्रकार से पन्नी निकालने की कोशिश करें। आप ये सोचिए कि हमने एक जो नोज प्लायर होता है उससे खींचकर पन्नी निकाली, लेकिन फिर भी मेरे लगभग 500 पौधे नहीं बचाए जा सके, जिनका के दोबारा से उनकी स्थापना मैंने फरवरी 2019 में की थी। तो किसान साथियों, आप जब भी बाग लगाएं, इस बात का ध्यान रखें कि 45 दिन बाद, 45 से 60 दिन के अंदर आपको जो ग्राफ्टिंग की टेप है, जो पन्नी है, वो खोलनी है और ये निरीक्षण करना है कि ग्राफ्टिंग की टेप जुड़ गई है। हाँ, इससे पहले ये ध्यान अवश्य रखें, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, कि अपने पौधे को डंडी से सहारा अवश्य दें। ये थी मेरी सातवीं गलती। अब आइए अगली गलती की बात करते हैं। किसान साथियों, जब मैं सुशील कुमार सैनी जी के बाग पर गया और मैंने उनके पौधे देखे, तो उन्होंने उनकी कटिंग की हुई थी, तो मैंने देखा कि अरे भाई, मेरे पौधे तो 7 फीट के हो गए हैं और वो भी हाई डेंसिटी पर हैं, यानी 8x5 पर हैं। तो जब जिस दिन वो मेरे बाग पर आए, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं अब क्या करूं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इनकी पहली कटिंग 2 फीट से करिए। चूँकि वो नवंबर का महीना था और मुझे भी अनुभव नहीं था, तो मैंने अपने पौधों की पहली कटिंग फरवरी के दूसरे सप्ताह में की और उनमें खाद लगवाया। इससे क्या हुआ कि मेरे पौधे जो 4 फीट के कम से कम हो जाने चाहिए थे, थोड़ी कैनोपी बन जानी चाहिए थी, उनकी पहली कटिंग के कारण वो 6 माह पीछे हो गए। उसके बाद जब मुझे पता चला कि भाई, कटिंग का तो बहुत महत्व है, और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अमरूद की कटिंग, और ये वीडियो इतनी सराही गई थी कि इसके कई लाख व्यू हो चुके हैं अब तक भी, और मेरी जो पहचान है वो इसी वीडियो से बनी, जिसका के बहुत श्रेय हमारे सुशील कुमार सैनी जी को जाता है। उन्होंने मुझे एक दो जगह और भी बताई, फिर मैंने गूगल पर ढूंढना शुरू किया और मैं पहुंचा बिहार कृषि विश्वविद्यालय की अमरूद की कटिंग की वीडियो देखकर। उसके बाद आप देखिए कि अब ये पौधा कितनी अच्छी कैनोपी लिया हुआ है, जिसकी स्थापना हमने पिछले साल की थी। अगर मैं इसे नहीं काटता तो ये बहुत बड़ा पौधा हो जाता, और देखिए कितने अच्छे इसमर पौधे चल रहे हैं। तो किसान साथियों, लगभग 2 महीने बाद, पन्नी हटाने के 15 दिन बाद, आप अपने पौधों की पहली कटिंग 2 फीट पर अवश्य करें, और फिर उसके बाद जो सितंबर का महीना आता है, उसके मध्य में जो अनावश्यक आपकी शाखाएं हैं उनको हटा दें, ताकि जो शाखाएं आपको कैनोपी के लिए रखनी है वो बढ़ती रहें, और फरवरी तक आते आते जब फरवरी में कटिंग करेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छा कैनोपी का रूप लेने लगेगा। किसान साथियों, ये थी मेरी 8वीं। अब आइए बात करते हैं 9वीं गलती। किसान साथियों, मैं ये दिखाना चाहूँगा अपने पौधे पर, देखिए इसमें एक अमरूद भी लगा हुआ है, श्वेता का पेड़ है, और यहाँ पर देखिए ये मैंने ड्रिप लगाई है। जब मैंने पहली बार ड्रिप लगवाई तो वो इनलाइन ड्रिप थी और उसमें हर फिट पर पानी टपकता था, जिससे दो पौधों के बीच में अनावश्यक पानी रहता था। अब देखिए, इसकी कैनोपी के अंदर ही मैंने सिर्फ खाद डलवाई हुई है, और एक ड्रिपर यहाँ है कैनोपी से, लगभग जो इसका तना है, मुख्य तना, इससे लगभग ये 1.5 फीट की दूरी पर इधर है और 1.5 फीट इधर है, और ये 8 लीटर पर आवर का ड्रिपर है। अब जब मैं अपना ट्यूबवेल चलाता हूँ तो मुझे अतिरिक्त पानी कहीं नहीं छोड़ना पड़ता, सारा पानी मेरे खेत में जाता है, और 2 घंटे के अंदर ही मेरा खेत पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। और जब यहाँ पानी टपकता है तो धीरे धीरे ज़मीन में जाता है, और जब 2 घंटे बाद हम बंद करते हैं ट्यूबवेल, तो उसके कुछ समय बाद ही आपको पूरी कैनोपी में आपको नमी दिखाई देती है। मैं कहता हूँ कि तने के पास पानी नहीं लगना चाहिए, तने के पास नमी पहुँचनी चाहिए, और आप देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है, जिसमें मैं गोबर का खाद डालता हूँ और जीवामृत। जो मेरी 9वीं गलती है वो इसी पर आधारित है। उस समय मैंने सोचा था कि मैं जैविक बागवानी करूँगा और उसमें गोबर की खाद के अलावा कुछ नहीं दूँगा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जो मुख्य तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, इनके अलावा जो 8 मुख्य सूक्ष्म तत्व होते हैं, उनकी भी पौधों को आवश्यकता पड़ती है, और उन पौधों पर जिन पर के फ्रूट आते हैं, आप उनकी पूर्ति अकेले खाद से नहीं कर सकते। यही कारण था कि मैंने अब की बार जो खाद बनवाई है
उसको टेस्ट कराया है। किसान साथियों, पहले वर्ष मैंने केवल गोबर का खाद दिया, गोबर के खाद के अलावा कुछ नहीं दिया। उसका असर मुझे एक साल होते होते तक दिखने लगा, चूँकि पौधों को संपूर्ण मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा था। उसी समय डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी का बहुत प्रचार था, उनकी वीडियो आती थी वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर। मैं उनको देखने लगा और मैंने वेस्ट डिकम्पोजर का सेटअप भी बनाया, मैंने पत्तियों का रस भी बनाया और सब चीज़ दी, लेकिन मुझे उतने वांछित परिणाम नहीं मिले। जो दो मुख्य समस्याएं मुझे मिली कि हमें ये तो पता चल गया जो हमने बना लिया कि आपने तीन दलहन तीन तिलहन लेकर आपने उसमें तांबे के टुकड़े डाले, आपने उसमें कील डाली और बना लिया, लेकिन उसमें कितने परसेंट में कितने सूक्ष्म तत्व है हमें ये नहीं पता चला। तो मैंने देखा कि पौधों में उतनी वृद्धि नहीं थी और उतनी फ्लावरिंग भी नहीं थी। उसके बाद मैंने फिर सोचना शुरू किया, तो मैंने थोड़ा सूक्ष्म तत्व जो माइक्रो न्यूट्रेंट थे वो देने शुरू किए, और थोड़ा साल में एक बार जो आपका फास्फोरस है, पोटास है और जो आपकी नाइट्रोजन है वो भी मैंने देनी शुरू करी, तो बाग अपनी अच्छी अवस्था में आता चला गया। और इसी का परिणाम था शायद कि इस बार मेरे बाग के अमरूद इतने मीठे थे कि लोग कहने लगे कि हमारे इलाके में इससे अच्छे अमरूद नहीं हैं, जबकि मेरे पास कई वैरायटी थी, किसी भी वैरायटी का अमरूद खाओ। तो किसान साथियों, मेरा ये अनुभव है कि आपको पौधे की उम्र के हिसाब से बहुत अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य चाहिए, साल में दो बार डालिए या एक बार डालिए, क्योंकि इससे आपकी कार्बन की मात्रा मिलती है और जो हमारे जीवाणु जो सूक्ष्म तत्व और जो बेसिक तीन तत्व हैं उन्हें जो फिक्सिंग करते हैं उनको जिंदा रहने के लिए कार्बन की आवश्यकता होती है, और वो केवल हमें गोबर की खाद से मिलती है। इसके बाद जब मैं बात करने लगा तो मुझे पता चला कि जीवामृत भी बहुत अच्छा कार्य करता है। अब जीवामृत के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भाई आपके पास गाय नहीं है। पिछले चार महीने से मैंने एक मेरे साथी हैं पुष्प सिंह जी, जो चंदना कोली गांव के रहने वाले हैं, उनके पास तीन गायें हैं, देसी गायें हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, त्यागी जी आपको कितना गोबर और कितना पेशाब प्रत्येक माह चाहिए, मेरे यहाँ से ले जाइए। आज पाँचवीं बार मैं उनके यहाँ से लेकर आया हूँ, और वो मैंने कैसे बनाता हूँ वो अपनी एक वीडियो के माध्यम से दिखाया। तो प्रत्येक माह एक लीटर जीवामृत में एक लीटर पानी मिलाकर, जितना मेरे पास 600 लीटर जीवामृत है और 600 लीटर ही मैं उसमें पानी मिलाऊंगा, और एक एक लीटर मैं यहाँ पर अब तक चार बार दे चुका, इसकी कैनोपी में एक फुट दूर तक मैं इसमें डलवाता हूँ। किसान साथियों, चूँकि मेरे पूरे बाग में ड्रिप सिस्टम अब सही हो गया है, तो इस बार मैं उस सब को ड्रिप के माध्यम से चलाऊंगा। ये थी मेरी नौवीं गलती कि मैंने खाद प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया। किसान साथियों, इस श्रृंखला का चौथा और अंतिम भाग होगा, और उसमें मैं और दो या तीन बातें बताऊंगा कि वे गलतियां आप न करें, और अगर इन बातों का आप ध्यान बाग लगाने से पहले कर लेंगे और ये सावधानियां बरतेंगे तो आपकी बागवानी बिल्कुल सफल होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।